सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ बात करेंगे। और सबसे पहले अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो कौन सी जरूरी बातों को आपको ध्यान में रखकर ही प्रार्थना पत्र को लिखना है। ठीक है, तो सफाई के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप चाहे जहाँ भी लिखते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए लिखते हो या किसी अधिकारी को देने के लिए लिखते हो, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र को लिखने के लिए एक पेज यानी कि एक पूरे पेज की जरूरत होती है। ठीक है, ये नहीं कि आप आधा प्रार्थना पत्र इस पार लिख दे तो आधा उस पार लिख दे, नहीं, आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखते हो तो इसके लिए एक पेज ले लो पूरा, उसी में ये पूरा का पूरा अटा भी दो। ठीक है, उसी में पूरा लिख देना है। तो देखो सबसे पहले आपको सेवा में लिखने के बाद, ठीक है, सेवा में ब्लैक पेन से लिखने के बाद एक कामा लगा देना है और इसके बाद कुछ छोड़कर यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी और जिस उस जहाँ पर देना है, ठीक है, जहाँ पर वो अधिकारी रहता है उस जगह का नाम, फिर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जिस जहाँ पर जहाँ का वो अधिकारी है। ठीक है, तो स्वास्थ्य अधिकारी रावर्सगंज यानी कि जहाँ ये रहते हैं, उसके बाद उस जिले का नाम सोनभद्र। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो इसमें जान फूंक देती है, वो है विषय। ठीक है, जब भी किसी को आप कोई अधिकारी या प्रार्थना पत्र बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो विषय लिखना है। ठीक है, विषय लिखने से क्या होता है कि जिसको आप देते हो वो जान जाता है कि ये जो प्रार्थना पत्र वो किस संदर्भ में मुझे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो वो उसी हिसाब से उसको पढ़ता। तो इसमें विषय में शहर में व्याप्त गंदगी के लिए या शहर में व्याप्त गंदगी हेतु प्रार्थना पत्र है। इसके बाद आपने जो सेवा में लिखा जस्ट उसके नीचे आपको महोदय लिखना है ब्लैक पेन से और एक कॉमा लगा देना। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा जहां एंड होता है वहीं से आपको शुरुआत कर देना इसका, मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई थी वे जगह जगह से टूट गई हैं। ठीक है, और जहाँ नालियाँ हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। इसके बाद परिणामतः पानी हर समय सड़ता रहता है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, देखो अब इतना हर समय सड़ता रहता है कि लिखने के बाद, ठीक है, अतः जब आपको लिखना पड़े तो ये आप चीज़ों आपको ध्यान देना है। ठीक है, जहाँ पे आपने ये लिखा है स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक, इसके जस्ट नीचे आपका अतः आना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अतः इसके जस्ट नीचे रहा है, तो यहाँ से अतः ये वाली लाइन छोड़ देनी। अतः आपसे निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए शहर के सड़कों की मरम्मत व पानी निकास की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। के बाद यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है और यहाँ पे भवधि लिखकर अपना नाम, ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो तो नाम नहीं लिखना है, फिर वो जहाँ के हैं और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है, दिनांक आपको किस तरह से लिखना है, जैसे कि अगर आपको दिनांक लिखना है, ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पे 6 मार्च 2000 जो भी, ठीक है, 2000 जितना भी हो उसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पे, लेकिन आपको इस तरह से लिखना है 6 मार्च, नहीं ये नहीं कि 6 और 3 इस तरह से लिख दे, नहीं, इस तरह से आपको लिखना है 6 मार्च 2000 जितना भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।